आप अपनी खुली आंख से देख सकते हैं, जैसा कि आज के समाचार पत्रों में भी यह प्रकाशन में आया है, या सरकारी सूचना के अनुसार काशी में 84 घाटों पर 84 पंप लगे हुए हैं, जो घाटों की मिट्टी को काट करके गंगा में डाल रहे हैं ताकि घाट की सफाई हो जाए और हम आने वाली देव दिवाली को सुगमतापूर्वक संपादित कर सकें। और आप जो मेरे सामने ये खाई देख रहे हैं, यह खाई किसी पहाड़ की नहीं है, यह मिट्टी से पटी हुई जो है घाटों का कटाव है, जिसे काटा गया है और भी अगल बगल की मिट्टी को इसी गंगा जी में जो है डाला जाएगा। और ऐसा क्यों होगा भी नहीं, सवाल ये है कि जब विकास गुरुकुल में पढ़ रहा था तब इसकी अपनी परंपरा थी, इसकी अपनी भारतीय पहचान थी, इसकी अपना भारतीय तरीका था, लेकिन आज वह विकास गुरुकुल से निकल करके व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त कर चुका है। उसको नए नए तरीके ईजाद करने के लिए कला आती है, वह सतह पर बहुत तेज़ दौड़ता है, उसकी आँखें तीव्र हैं, उसे तमाम तरह के रोशनी से नहाने की आदत है, वह आधुनिकता को लपेटे हुए यह विकास धीरे धीरे ऐसे मुहाने पर पहुंचा है कि आप मेरी बाईं तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर मणिकर्णिका घाट है, जिसे काशी का मोक्ष द्वार कहते हैं, यहाँ पर मुक्ति मिलती है। इसी के कथाओं के अनुसार इसी के ठीक सामने गौरी कुंड में भगवान शंकर आज भी स्नान करते हैं और स्नान करके लोगों को तारक मंत्र दे करके मुक्त करते हैं, लेकिन यह मुक्ति मार्ग विकास इसे भी अपनी आगोश में ले लिया है। और अगर झूठ न हो तो कुछ ही दिनों में आपको अब इन स्थानों पर पंचसितारा होटल मिलेंगे। ये जो आपको प्राचीन धरोहर दिख रही है, महल दिख रहे हैं, ये धराशायी हो जाएंगे कुछ दिन में, क्योंकि विकास इस पर अपना पांव रख चुका है और धीरे धीरे इसको अपने आगोश में लेने की तैयारी में है। ऊपर से ले चुका है, नीचे की केवल ज़मीन बाकी है, एक तल बाकी है, उसे भी बहुत जल्दी ही ले लेगा, क्योंकि इस पर तमाम तरह की योजनाएँ लाई जा रही हैं। इस जो सूचनाएं हैं उसके अनुसार आपको ठीक सामने गंगा के उस पार पंचसितारा होटल बनेंगे, रोपवे बनेगा, जिससे महादेव की अच्छी आमदनी होगी और हमारे VIPs सीधे महादेव जी के विग्रह के सामने पहुंच करके और बिना गाड़ी से निकले अपनी विंडो को डाउन करेंगे और दर्शन कर लेंगे। उन्हें मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा, उन्हें मुक्ति धाम मिल जाएगी, उन्हें विकास का मार्ग मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप जिस विश्वविद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से हम लोग कापुरुष की तरह बैठे तमाशा देख रहे हैं, आने वाली पीढ़ी कहीं न कहीं जवाब पूछेगी कि आप क्या कर रहे थे जब विश्व के प्राचीनतम शहर को ध्वस्त करने की योजना बनाई जा रही थी और विकास की आड़ में। विकास एक ऐसा शब्द है जो सब कुछ निगलने को तैयार है और हम उसे देख नहीं पाते हैं। यह एक वायरस की तरह काम कर रहा है जो अंदर अंदर मेरे पूरे शरीर को, मेरे सारे अंगों को खोखला कर रहा है। और अंत में डॉक्टर कहेगा, डॉक्टर आने के आपके राजनीतिक लोग कहेंगे, भाई मैं क्या कर सकता हूँ, अब स्थिति नियंत्रण से बाहर है। जैसा आपको लगता हो वैसा आप करिए। तो अभी समय तो बहुत निकल चुका है, लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई योजना हो, कोई कार्य हो, कुछ चाहते हो, तो उसे करने के लिए दो कदम आगे बढ़िए और अपनी काशी को इस विकास पुरुष से थोड़ा अलग हट करके, जो विकास आपके वैदिक सिद्धांतों में दिया गया था, जो विकास भारतीय चिंतन में था, जो विकास अरबों साल से चला आ रहा है अपने अस्तित्व को, आज उसके पैर डगमगा गए हैं। वह पुनः अपनी एक नई बुनियाद तलाश रहा है, उस बुनियाद में कोई मजबूती नहीं है, सिर्फ कंगूरा है, कलश है, लेकिन बुनियाद नहीं है, बुनियाद की ईंट बहुत कमज़ोर है, उसे आपको पुनः संवारना पड़ेगा। आप कदम आगे बढ़ाएं, हो सकता है कोई नई मंजिल, कोई नया रास्ता, कोई नया मार्ग मिले जो आपको, आपकी पीढ़ी को पुनः एक बार स्थापित कर सके।